अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज क्लियर है? हेलो जी सर, सर, बिल्कुल क्लियर है। लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो डिलीशन को देखते हैं कि डिलीशन लिंक लिस्ट में कैसे होती है। इंसर्शन हमने देख लिया था। अब देखो डिलीशन के अंदर यहाँ पर एक सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, कि नोड ए है, ये नोड बी है और ये नोड एन है। यहाँ पर ठीक है, यानी कि लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। पहली नोड है, दूसरी नोड है, ये एक नोड है ए आ गई, ये नोड एन है, ये नोड बी है, आगे लिंक लिस्ट चल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि नोड ये सिनेरियो किसका है, बिफोर डिलीशन का, यानी कि अभी डिलीशन हुई नहीं। हमें डिलीट क्या करना है, हमें नोड एन डिलीट करनी है। नोड एन को यहाँ से डिलीट करना है। पहले तो हमें इंसर्शन करनी थी ना, एक नोड बीच पे लानी थी। अब हमने एक नोड को डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा कि जाहिर है, अब हमें जाहिर है नोड ए नोड एन को पॉइंट आउट कर रहा है, नोड एन नोड बी को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन अगर मैं नोड एन को बीच में से निकाल दूं, तो नोड एंड जब बीच में से निकल जाएगी तो फिर सूरत हाल क्या होगी जो नीचे दिखाई गई आफ्टर डिलीशन, कि नोड ए फिर किसको पॉइंट आउट करेगा, नोड ए का जो लिंक है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, नोड बी को। तो इस सूरत में क्या होगा, नोड एंड डिलीट हो गई। लेकिन एक बात यहां पर याद रखनी है, जो नोड एंड डिलीट, क्योंकि नोड एंड क्यों डिलीट हो गई, क्योंकि जाहिर है नोड ए अब नोड ए बी को पॉइंट आउट करेगा, इस तरह आगे चलेगा, तो ये ट्रेवर्सिंग के अंदर नोड एंड आएगी नहीं, इसका मतलब है नोड एंड डिलीट हो गई। लेकिन चूंकि ये नोड अब आपको इस नोड की जरूरत नहीं है, इस नोड को कहाँ जाना चाहिए, अवेल के अंदर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर नीचे यहाँ पर बना हुआ नहीं है किताब में, मैंने किताब से डायग्राम यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए, लेकिन यहाँ पर अवेल के लिंक लिस्ट किताब में नहीं बनाई हुई। तो अवेल की अगर लिंक लिस्ट है, ठीक है, अवेल की लिंक लिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मौजूद है अवेल, अवेल स्टार्ट हुआ है और अवेल चलता जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से अवेल चल रहा है, ये अवेल की लिंक लिस्ट है, यानी कि खाली सेल की लिंक लिस्ट। अब अगर इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है, तो अब ये नोड एन जो है ना, जो नोड डिलीट हुई है, कि नोड जो डिलीट हुई है, ये अब अवेल का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि दूसरे दूसरे लफ्जों में मैं आपको चेंजेस का यहाँ करके दिखा देता हूँ अलग कलर से, ताकि क्लियर हो जाए। यानी कि पहले तो नोड अवेल पॉइंट आउट कर रहा था इस नोड को, अब अवेल किसको पॉइंट आउट करेगा, अब अवेल पॉइंट आउट करेगा इसको, नोड एन को, जो आपकी नोड डिलीट हुई, यानी कि ये अवेल की पहली नोड बन जाएगी। और फिर इसका जो लिंक है ना, इसका जो लिंक है वो क्या बन जाएगा, जो पहले अवेल का फर्स्ट नोड थी, पहले अवेल की फर्स्ट नोड थी, वो अब इस नोड की लिंक बन जाएगी। यानी कि दूसरे लफ्जों में ये अवेल नोड एन जो है वो अवेल का पहला एलिमेंट हो जाएगा, और ये नोड जो है ना, ये अवेल का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, फिर आगे तीसरा चौथा एलिमेंट जैसे बना हुआ वैसे चलता रहेगा। तो होता यही है कि इंसर्शन के अंदर, जब डिलीशन के अंदर, खास तौर पे हम डिलीशन की बात कर रहे हैं, तो डिलीशन के अंदर जो है ना, वो जब आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हो, डिलीशन में किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हो, तो डिलीटेड पार्ट को आप जो है वो अवेल की पहली नोड बना देते हो, और जो अवेल की जो पहली नोड थी पहले, उसको आप अवेल की दूसरी नोड बनाते हो, उसका पहली नोड का जो लिंक है वो अपडेट कर देते हो दूसरी नोड के साथ। ये बात क्लियर हुई आपको? नहीं सर, ये बात नहीं क्लियर हुई। यस सर, देखो मैं बता देता हूँ, हमें करना क्या था, नोड एन को डिलीट करना है। अब नोड एन डिलीट होगी तो ये खाली सेल हो जाएगी, एक तरह से इसको खाली सेल हो जाएगी, क्योंकि ये अवेल का पार्ट बनेगी फिर, ठीक है। तो हमने क्या चेंजेस की कि नोड ए पहले पॉइंट आउट नोड एन को कर रहा था, नोड एन पॉइंट आउट नोड बी को कर रहा था, ठीक है, ऐसे ही हो रहा था। नोड ए किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जी जी सर, नोड एन को, नोड एन किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नोड बी को। हमने नोड एन को डिलीट करा, डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, नोड ए जो है वो अब नोड एन को पॉइंट आउट नहीं करेगा, बल्कि नोड ए अब किसको पॉइंट आउट करेगा, नोड ए जो है वो पॉइंट आउट करेगा नोड बी। इस तरह से नोड एन डिलीट हो गई, डिलीशन हो गई करने से।
लेकिन जो डिलीटेड एलिमेंट है अब वो हमारे लिए उस वक्त फायदेमंद होगा जब हम इसको अवेल का पार्ट बना दें, क्योंकि अब ये इसके अंदर कोई वैल्यू बाद में रखवाई जा सके। तो उसको हमने अवेल का पहला एलिमेंट बना दिया। अवेल का मतलब क्या है? फ्री स्टोरेज लिस्ट, जो खाली सेल के लिंक लिस्ट होती है। तो अवेल पहला एलिमेंट ये था, लेकिन हमने क्या किया कि अवेल का पहला एलिमेंट नोड एन को बना दिया, अच्छा। और नोड एन का जो लिंक है ना उसको उठा के हमने वो दे दिया जो पहले अवेल का पहला एलिमेंट था, यानी कि ये। तो अब ये जो अवेल का पहला एलिमेंट था पहले, वो अवेल का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। पहला एलिमेंट ये नोड एन हो जाएगी जो कि अभी रिसेंटली डिलीट हुई है। तो इस तरह होगा क्या कि ये अवेल के शुरू के अंदर ये इंसर्ट हो जाएगा नोड एन, और ये फ्री स्टोरेज लिस्ट के अंदर हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये मतलब मैंने बात बताई थी डिलीशन के अंदर। सर, इसको आप एग्जांपल से दिखा सकते हैं? अभी भी एग्जांपल तो आप, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया सिनेरियो, अभी आगे एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जांपल अब यहाँ पर ये आपकी बात लिखी हुई है, और ये जो देखो ये दोबारा डायग्राम भी आ गई, अवेल अवेल वाली जो मैंने बनाई थी ना डायग्राम, वो इन्होंने यहाँ भी दिखाई। हमारा यहाँ पर देख लें, इसको हम पढ़ लेते हैं। Let list be the linked list with our node n. Node n है इसके दरमियान, node a और b के दरमियान, ठीक है, between nodes a and b. Observe update 3 pointer. अब इसमें changes क्या हुई हैं? Changes ये हुई हैं। पहली change क्या हुई है? पहला change ये हुआ है deletion के अंदर। The next pointer field of node a now points to node b. Node a अब किसको point out करेगा? Node b को. Where node n previously pointed. ठीक है, पहले node a node n को कर रहा था, लेकिन अब जो है नोड ए जो है वो नोड बी को पॉइंट आउट करेगा। इस तरह से एन जो है वो इसमें से रास्ते से हट जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नोड ए नाउ पॉइंट्स टू द फर्स्ट ओरिजिनल नोड। अब ये जो जो नोड डिलीट हुई है, जो नोड डिलीट हुई है नोड एन, वो किसको पॉइंट आउट करेगी? वो फर्स्ट जो अवेल का जो अवेल जो है ना, अवेल का जो पहला लिंक था उसको पॉइंट आउट करेगी। नोड एन जो है अवेल का पहला लिंक था उसको पॉइंट आउट करेगी। और तीसरा चेंजेस क्या होंगे? जो अवेल जो था ना, अवेल जो है, जो नोड अभी डिलीट हुई है एन, अवेल जो है वो नया अवेल अब वो बन जाएगा। अवेल नाउ पॉइंट्स टू द डिलीटेड नोड एन। जो नोड अभी डिलीट हुई है अब वो नया अवेल वहां से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था, ठीक है ना। यानी कि ये नोड, ये चेंजेस होंगी कि नोड ए पॉइंट आउट करेगा नोड बी को, जिसको पहले नोड एन पॉइंट आउट कर रहा था। नोड एन इसको पॉइंट आउट कर रहा था नोड बी को, अब नोड ए इसको पॉइंट आउट करेगा नोड बी को। और जो नोड एंड जाहिर अब डिलीट हो गई, जब डिलीट हो गई तो उसको अब जो ये डिलीटेड नोड है, इसका जो लिंक होगा ना, ये वाला लिंक, ये जो लाइन जा रही है, इसका लिंक क्या हो जाएगा? जो जिसको पहले जिसको अवेल पॉइंट आउट पहले कर रहा था। अवेल डॉटेड लाइन का मतलब है ओल्ड लिंक। अवेल पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था, अब जो है नोड एंड इसको पॉइंट आउट करेगा। और नोड अवेल अवेल किसको पॉइंट आउट करेगा? ये वाली लाइन देखें, अवेल अब इसको पॉइंट आउट करेगा नोड एन को। तो नोड एन पहली नोड बन जाएगी अवेल की, और जो पहली जो ये वाली नोड है ये दूसरी नोड बन जाएगी। तो हमने इसमें करा ये कि जो डिलीटेड नोड थी उसको हमने पहली नोड बना दिया अवेल का। अब अभी सिर्फ समझाया गया थियोरेटिकली और दिखाया गया ताकि बात समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चेंजेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी डिलीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सर, नोड एन जो हमने डिलीट करी है उसका जो लिंक है वो फ्री स्टोरेज से जुड़ जाएगा ना? बिल्कुल, ये उसका लिंक है फ्री स्टोरेज से जुड़ जाएगा, और अवेल जो है ना वो स्टार्ट करेगा उसी नोड से जो डिलीट हुई है, यानी वो पहला नोड बन जाएगी फ्री स्टोरेज। और जो पहले पहली नोड थी, वो जो पहले पहली नोड थी वो अब दूसरी नोड बन जाएगी अवेल, ठीक है। ये अवेल की, ये अवेल की पहली नोड हो गई, ये अवेल की दूसरी नोड है, ये अवेल की तीसरी नोड है, इस तरह चलता है। जैसे हमने इंसर्शन के अंदर अवेल के अंदर इंसर्शन की थी, इस तरह डिलीशन में भी जब नोड डिलीट होगी, जब नोड डिलीट होगी तो वो अवेल के अंदर आएगी, डिलीटेड नोड जो है वो अवेल के अंदर आएगा, इस तरीके से काम। तो बट इनिशियली नोड 9 का जो लिंक होगा वो तो नोड बी की तरफ दे रहा होगा ना पॉइंटर? हाँ, नोड बी की तरफ दे रहा था, लेकिन अब वो जो नोड बी की तरफ दे रहा था अब वो नोड ए का लिंक बन जाएगा। नोड एन का लिंक नोड ए का बन जाएगा, अब वो नोड ए नोड बी को पॉइंट आउट करेगा।
और नोड एन का जो लिंक था, नोड एन का लिंक जो है वो हम अवेल को दे देंगे जो पहले अवेल था। तो सर नोड ए के बाद लिंक नहीं होगा क्या? उसका भी तो लिंक होगा ना जो आगे जा रहा होगा इसका नोड ए पहले तो नोड एन पे जा रहा था ना, ये नोड जी। ए तो का लिंक सर पहले नोड एन पे जा रहा था, अब हमने चेंजेस किया कि नोड ए का लिंक हमने नोड बी का दे दिया, यानी कि नोड ए का लिंक वो दे दिया जो जो पहले नोड एन का लिंक था। नोड एन किसको पॉइंट आउट करता था? बी को। तो नोड ए को वो लिंक दे दिया उठा के, तो अब नोड ए पॉइंट आउट करेगा नोड बी को। इस तरह से नोड एन जो है वो बीच में से चला गया ट्रेवर्सिंग से, और अवेल को हमने दे दिया कि भाई ये नोड एन जो है ना अवेल अब उसको पॉइंट आउट करे, और जो पुराना अवेल का लिंक था उसको नोड एन का लिंक हमने पुराने अवेल का लिंक बता दिया। तो इस तरह ये जो रिलेटेड नोड है ये अवेल की पहली नोड बन जाएगी। पर तो फिर इस पे भी लिंक कौन सा लगेगा? जी इसका लिंक तो हमने उठा के नोड ए को दे दिया जो नोड एन के अंदर पहला लिंक था वो नोड ए के पास चलेगा। तो जो नोड एन हमारे पास अवेल के अंदर पड़ा हुआ उसका लिंक कहाँ से आएगा हमारे पास? नोड एन को हमने अवेल में डाला खुद से। Yes. तो हमने अवेल को जो है वो बता दिया नोड एन को, और नोड एन का जो लिंक था वो हमने बता दिया पुराना अवेल था। पुराना अवेल डॉटेड लाइन से पुराना अवेल शो हो रहा है। सही सही सर समझ में आ गया। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें क्लियर हो जाए ये चीज में। ये मैं एक इंग्लिश बना लेता हूँ। श्वेब अपना वो माइक ऑफ कर दे जरा, वो पीछे आपके वो जी जी फैन की आवाज आती है ना वो। ये हो गया ये आगे आपके लिंक लिस्ट बन गई। ठीक है ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। और स्टार्ट हमने कर लिया फॉर एग्जांपल जो है वो फोर से, फोर पे रखा हुआ है फॉर एग्जांपल टी, अगला एलिमेंट वन पर है, यहाँ हमने रख दिया P, अगला एलिमेंट सिक्स पर है और यहाँ हमने रख दिया F। यहाँ आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो गई, तीन एलिमेंट्स हैं लिंक लिस्ट में। ठीक है इसका एक और कर लेते हैं चले आगे फिर। ये यहाँ पर हम कर लेते हैं दो, ये इसको दो पे कर देते हैं। दो पे आपके रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एच, और यहाँ आपकी लिंग्विस्ट खत्म हो गई। अच्छा अब ये अगर इसको हम देखें ट्रेवर्स करें लिंग्विस्ट को, तो स्टार्ट आपके जाहिर है फोर से हो रहा है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? टी। दूसरा एलिमेंट वन पे जाएंगे तो पी, तीसरा एलिमेंट सिक्स पे जाएंगे तो एफ, और चौथा एलिमेंट टू पे जाएंगे तो एच, और एच पे जाके लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। ठीक है नल पॉइंटर आ गया। अच्छा अब जो है ये आपका बन गया टी पी एफ एच। अब आपसे कहा ये जा रहा है कि F को डिलीट करना है। ठीक है अब मुझे डिलीट करना है F को डिलीट करना है। तो F को डिलीट करेंगे तो भी क्या बन जाएगा? T, P और H, ऐसे ही होगा ना कि F डिलीट हो जाएगा तो T, P और H हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर मैं अवेल का भी बता देता हूँ, अवेल हमारी फ्री स्टोरेज लिस्ट है और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अवेल जो है आपकी फ्री स्टोरेज स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जांपल थ्री से, थ्री से स्टार्ट हो रही है। अगला खाली सेल फॉर एग्जांपल फाइव है, फाइव अगला खाली सेल है और यहाँ पर जीरो हो गया मेरे पास। अच्छा जी अब इसको हम देखते हैं। अब क्या क्या चेंजेस होंगी, ठीक है। पहले तो बात यह है कि आपने नोड एन इसको डिलीट कर दिया। जब आप इसको डिलीट करोगे तो मैं चेंजेस को अलग कलर से शो कर देता हूं। तो स्टार्ट अभी स्टार्ट किससे हो रहा है, फोर से, ठीक है। टी आ गया, अभी वन के बाद पी आ गया। अच्छा पी के बाद जो है अब क्या आना चाहिए, पी के बाद पहले पी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एफ को। तो पी पे देखो, पी पे पी के बाद सिक्स आ रहा है ना, सिक्स पे क्या है, एफ। लेकिन मुझे एफ को हटाना है, मुझे एफ को हटाना है, तो मैं पी पे किसका लिंक दूंगा, जो कि एफ का लिंक था। एफ का लिंक क्या है, यानी कि सिक्स का लिंक, सिक्स का लिंक क्या है, सिक्स का लिंक टू है, टू सर। तो मैं वो लिंक किसको दे दूंगा, पी को। पी के बाद जो है वो, पी के बाद जो है वो क्या आ जाए, टू पे क्या। सर ये लाइन रिपीट कीजिएगा जरा। अच्छा कर दो। तो पहला स्टार्ट आपसे कहाँ से हो रहा है, फोर से। फोर पे क्या है, पी। पी के बाद क्या आ रहा है, वन। वन पे क्या है, पी। पी के बाद, पी के बाद अगला एलिमेंट सिक्स पर है, सिक्स पे क्या है, एफ, ठीक है। अब मुझे पी के बाद जो है एफ आ रहा है ना, पी के बाद एफ आ रहा है, मुझे एफ को तो हटाना है। तो मैं जब एफ को हटाऊंगा तो मैं पी को, पी के बाद मुझे कौन सा लिंक आना चाहिए, पी के बाद क्या आना चाहिए, एच। ऐसा ही है ना, तभी तो एफ हटेगा। तो पी के बाद एच आना चाहिए, एच आना चाहिए जब एफ हटेगा। तो पी के बाद जो है ना मैंने एफ सिक्स का लिंक हटाऊंगा और बल्कि उसका लिंक दे दूंगा जो के जो मुझे एच पे ले जाए। और एच पे कौन ले जाएगा, जाहिर जो एफ का लिंक था, यानी कि सिक्स का लिंक था टू, वो एक्चुअली किसको पॉइंट आउट कर रहा है, टू, एच को। तो मैंने क्या किया कि सिक्स जो पॉइंट आउट कर रहा था पी का लिंक, उसको हटाया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जो सिक्स का लिंक था, सिक्स का लिंक क्या है, टू। तो होगा क्या कि पी के बाद ही, अब पी के बाद अभी कहाँ चला जाएगा, एच पे। एच पे पी के बाद एच आ गया, डिलीट हो गया, ये एफ डिलीट हो गया, देखा आपने, यस सर, एफ डिलीट हो गया। लेकिन हमें जो डिलीटेड एलिमेंट है उसको हमने कहाँ रखना होगा, मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ रखना है इसको, अवेल के अंदर, अवेल में, हाँ अवेल में रखना है इसको। तो अवेल अभी क्या है, अभी अवेल क्या है, थ्री है। तो अवेल थ्री नहीं रहेगा, बल्कि अवेल क्या हो जाएगा, अवेल सिक्स, सिक्स हो जाएगा, जिसको डिलीट किया है सिक्स, अवेल जो है अब हो जाएगा सिक्स। और सिक्स पे जाके जो इसका लिंक था वो मैं क्या दूंगा, ये तो टू तो नहीं दूंगा, सारे टू पे तो एच है, ये तो फ्री स्टोरेज। जब जो अवेल का जो फ्री स्टोरेज का लिंक, अवेल का जो प्रायर लिंक था वो क्या था, थ्री, फाइव। थ्री का लिंक, थ्री का लिंक क्या है, थ्री का लिंक फाइव। तो मैं क्या करूंगा कि सिक्स पे जाने के बाद, सिक्स पे जाने के बाद जो सिक्स का लिंक पहले टू था उसको हटा दिया, वो मैंने फाइव कर दिया। होगा क्या कि अब ये फ्री स्टोरेज लिस्ट के शुरू में आ गया, ये जो डिलीटेड एलिमेंट था, अब फ्री स्टोरेज यहाँ से स्टार्ट होगी सिक्स से। सिक्स में समझो ये कुछ भी नहीं है, ये डिलीट हो चुका है ना, ये तो ये अब एफ कुछ भी नहीं है, तो ये पहला एलिमेंट हो जाएगा। और फाइव के बाद ये फ्री स्टोरेज का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ पर जाके फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है वो खत्म हो गया। मतलब सर थ्री और फाइव दोनों फ्री स्टोरेज में लाए करेंगे उसको डिलीट करने के लिए, क्योंकि है ना सर, एक मिनट है, थ्री का सॉरी लिंक ऑफ अवेल क्या था, लिंक सॉरी ये फाइव नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत बताया आपको, ये जो ये तो बात तो सही है, ये तो बात सही है, या फाइव नहीं आएगा बेटा, या फाइव नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, थ्री सर, थ्री आएगा सर, थ्री थ्री आएगा बिल्कुल, ये जो पुराना अवेल था ना उसका लिंक यहाँ आएगा थ्री। तो ये अब सिक्स जो है पहला डिलीटेड एलिमेंट का पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला एलिमेंट जो पुराना अवेल था थ्री, यानी कि ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, पहले ये पहला एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट बन जाएगा,
और फाइव जो ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ फ्री स्टोरेज लिस्ट खत्म हो जाएगी, यहाँ फ्री स्टोरेज खत्म हो जाएगी। तो कोई क्वेश्चन है जरूर पूछ ले, डिलीशन का सिनेरियो दिखाया आपको। सर अगर 0 3 पे लगा हुआ होता है, जिस तरह 3 लिंक पे जो है वो 5 है, तो अगर यहाँ पे 0 होता और अगर 5 पे जो है वो 3 होता, तो फिर हम लोग जो है वो उसको 0 करते ना, 3 को, 3 के लिंक को जो है वो 0 करते और फिर यहाँ पे 5 के लिंक में 3 देते हैं। 5 के लिंक में 3 दे देते जो, हाँ अगर अगर नहीं दो जो डिलीटेड एलिमेंट है ना उसको तो आप पहला एलिमेंट बनाओगे अवेल का, ठीक है ना, तो वो आपका अवेल का पहला एलिमेंट बनेगा क्योंकि जो अभी अभी डिलीट हुआ है, अभी अभी डिलीट हमने इसी को किया, उसका जो लिंक होगा वो हमेशा जो आप जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, अभी 3 को कर रहा था, अगर 5 को कर रहा था तो 5 दे देते हैं, जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है, वो आपका दूसरा एलिमेंट बनेगा फ्री स्टोरेज लिस्ट का। तो ये आप 3 दूसरा एलिमेंट हो गया और 5 जो है वो आपका तीसरा एलिमेंट हो गया और यहाँ खत्म हो गया। तो हमने किया क्या कि हमने किया क्या कि हमने सिर्फ लिंक चेंजेस किए हैं। कौन सा लिंक चेंज किया है? एक तो हमने, अब देखो अब इसमें बात समझने की आप गौर करें, आजकल एल्गोरिथम में अभी आपको दिखाता हूँ आगे, इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये जो है ना, ये वो एलिमेंट है, लोकेशन ये वो लोकेशन है जिसको डिलीट करना है, यानी कि आपको लोकेशन बताई जाएगी, लोकेशन फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी है, 6 है, ठीक है, जिसको जिसपे जो वैल्यू रखी है उसको डिलीट करना है, 6 पे एफ रखा हुआ है इसको डिलीट करना है। उससे पहली एक नोड होगी जिसको हम कहेंगे लॉक पी, यानी लॉक, ये लॉक हो गया इसको डिलीट करना है एल्गोरिथम में जो दिखाया गया आगे, ठीक है, और ये हो गया लॉक पी। लॉक पी का मतलब है कि जो जो डिलीटेड जो नोड डिलीट हो रही है उससे उससे भी पहले वाली नोड, प्रीवियस नोड, तो कहेंगे लॉक पी। लॉक पी का जो लिंक है वो जाहिर है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो लॉक का लिंक हो जाएगा। लॉक का लिंक क्या था, एच लॉक है ना, ये लॉक इसको पॉइंट आउट कर रहा है एच को, तो लॉक का लिंक होगा वो किसका लॉक, किसका लिंक बन जाएगा, पी का लिंक। अब पी पॉइंट आउट एच को करेगा, बात समझ में आ रही है आपको, जो नोड डिलीट होने जा रही है वो लॉक कहलाएगी एल्गोरिथम में, उससे जो पिछली वाली नोड है वो क्या कहलाएगी, लॉक पी। तो लॉक पी का नोड, लॉक पी का लिंक चेंज, नोड चेंज होगी, यानी कि पी का जो लिंक है वो चेंज होगा, वो क्या बन जाएगा, वो आपने दे दिया उसका लिंक जो के जिसको जो डिलीटेड नोड, जो नोड डिलीट होने जा रही है लोकेशन की, वो जिसको पॉइंट आउट कर रही है, वो आपने लॉक पी को दे दिया। ये बात क्लियर हुई या नहीं, जो मैं लॉक पी और लॉक बताया? सर ये लॉक वाली नहीं कंफर्म है। लॉक का मतलब है, लॉक का मतलब है वो नोड जो डिलीट होगी तो उसकी लोकेशन, लॉक का मतलब लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है, 6 है, 6 पे क्या रखा है, एफ रखा था ना, हमें एफ ही डिलीट करना है ना, लोकेशन वो लॉक लोकेशन है लिंक लिस्ट की, जो कि आप डिलीट करोगे वो क्या है, 6। उससे पिछली वाली नोड को हम कह रहे हैं लॉक पी, क्योंकि एफ से पहले वाली, एफ से पहले कौन सी नोड है, एफ से पहले नोड कौन सी नोड है, वो पी है, क्योंकि पी पॉइंट आउट 6 को एफ को करा था ना, तो पी जो एफ से पिछली वाली नोड होगी ना उसको हम कहेंगे एल्गोरिथम में लॉक पी, क्योंकि जाहिर है उसका लिंक चेंज होगा, उसका लिंक हम चेंज कर रहे हैं, उसका लिंक हमने क्या कर दिया था, 2 कर दिया था, कि जो 2 किसका लिंक था, जिसको पहले F पॉइंट आउट करा था, 2 लिंक है असल में H का, ठीक है, तो जो लॉक का लिंक था, लॉक का लिंक था वो हमने किसका लिंक बना दिया, वो लॉक P का लिंक बना दिया, लॉक P का लिंक वो हो जाएगा जो पहले लॉक का लिंक था, लॉक का लिंक 2 था, अब लॉक P का लिंक 2 बन गया। इसको हम डायग्राम के जरिए से भी समझाया गया आगे, ठीक है, जबकि एल्गोरिथम के, एल्गोरिथम तो पता नहीं होगा ना, एल्गोरिथम को सिर्फ ये देखेगा जो नोड डिलीट हो रही है उससे पिछले वाली नोड का लिंक चेंज होगा, ऐसा ही होगा ना, जो नोड डिलीट हो रही है उससे पिछले वाली नोड का लिंक चेंज होगा और वो लिंक हो जाएगा ये वाला पी अप, उससे अगली एल्गोरिथम भी दिखा रहा हूं। दो तरीकों से डिलीट कर सकते हैं आपको, आपको ये बता दें कि लोकेशन कौन सी है
या आपको वो वैल्यू बता दें, जैसे एच डिलीट करना है, आइटम भी बता सकते हैं कि आइटम को आप डिलीट कर दो, वो आइटम जिस लोकेशन पर हो वहां पर डिलीट, वो लोकेशन जो है उस पर जो वैल्यू रखी होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो दो तरीकों से डिलीट कर सकते हैं, लोकेशन की बुनियाद पर भी डिलीट हो सकती है, जो आइटम की बुनियाद पर भी डिलीट हो सकती है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वही बात बताई गई, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिखाई गई थी कि लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल, अवेल और अवेल इज इक्वल टू लॉक। ये जो अभी अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी कि जो डिलीटेड नोड थी वो अवेल का पहला, अब पहला नोड बन जाएगी। ये लॉक का मतलब है जिस नोड को डिलीट कर रहे हो, लॉक का मतलब है लोकेशन, वो लोकेशन जिसको डिलीट किया जा रहा है। तो लिंक ऑफ लॉक यानी जिसको डिलीट किया जा रहा है उसका लिंक क्या बना दिया जाएगा, अवेल को। और अवेल को, अवेल कहाँ से स्टार्ट होगा, जो अभी अभी नोड डिलीट हुई है वो, यानी कि अवेल इज इक्वल टू लॉक। लॉक का मतलब वही लोकेशन जिसको डिलीट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो डिलीटेड नोड थी वो अवेल का पहली नोड बन जाएगी। इसी चीज को डायग्राम में ऐसे दिखाया गया, यहाँ पर देखो पहले डॉटेड लाइन शो कर रही है अवेल का पुराना लिंक, ये अवेल अब स्टार्ट, पहले स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, ये अवेल का पहला नोड था, ये फी स्टोरेज लिस्ट है, अवेल का दूसरा नोड, अवेल का तीसरा नोड। लेकिन लोकेशन का मतलब क्या, जिस नोड को डिलीट करने जा रहे हो वो कौन सी नोड है, नोड एन जिसको डिलीट करने जा रहे हो, उसको पॉइंट आउट कौन कर रहा है, लोकेशन से, लॉक से। तो अब अवेल किसको पॉइंट आउट करेगा, अब अवेल पॉइंट आउट करेगा लॉक को, ठीक है। और जो लिंक था लॉक का, लॉक का लिंक, लॉक ये लॉक है, लॉक का लिंक ये है, ये लॉक का लिंक ये है। जो लॉक का लिंक है वो क्या हो जाएगा, जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल, ठीक है ना, कि जो लॉक का लिंक था यानी कि जो डिलीट होने जा रही है नोड एन, नोड एन, नोड एन ही लॉक है, नोड एन ही लॉक है, ठीक है। तो जो लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल का मतलब क्या है, कि जो लॉक का लिंक था यानी कि ये, वो क्या बन जाएगा, जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, और अवेल को अपडेट कर देंगे, अवेल क्या बन जाएगा, अवेल इज इक्वल टू लॉक, कि अब अवेल नया अवेल, ये जो जो डार्क लाइन है ना वो नया अवेल है, नया अवेल बन गया डार्क लाइन, कि अब ये नया अवेल हो गया। अब अवेल क्या हो जाएगा, जिसको लॉक पॉइंट आउट कर रहा है, अब वो नया अवेल हो जाएगा। अब जो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो डिलीटेड नोड थी वो पहली नोड बन जाएगी, और जो पुराना अवेल था वो अब अवेल का दूसरा, दूसरी नोड बन जाएगी। ये वही बात जो मैंने बताई थी फ्री स्टोरेज लिस्ट की, कि डिलीटेड नोड अवेल के शुरू में आ गई। तो ये चीज क्लियर हुई, ये एल्गोरिथम में ऐसे लिखा हुआ है, लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू लॉक। लॉक का मतलब वो आइटम जो डिलीट होने जा रहा है, अब नया अवेल वो बन जाएगा। जी सर, ठीक है ना। ये मतलब इसके लिए भी मैंने डायग्राम दिखा दी, ताकि जो एल्गोरिथम के अंदर जो लाइंस हैं समझ में आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये डिलीशन का एल्गोरिथम है, let list be the linked list in the memory. Suppose given the location log or node n in the list, the location log p the node preceding n. यही वो बता रहा है कि log p का मतलब क्या है, log p वो नोड है जो नोड n, जो नोड डिलीट करने जा रहे हो उससे पहले वाली नोड, प्रिसीडिंग नोड का मतलब क्या, उससे पहले वाली नोड, इसको कह रहे हैं log p, क्योंकि जाहिर है log p का लिंक चेंज होगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई नोड नहीं है, अगर log p का मतलब क्या, यानी कि ये भी तो हो सकता है कि जो नोड डिलीट करने जा रहे हो वो हो सकता है लिंक लिस्ट की पहली नोड हो। अगर जो नोड डिलीट करने जा रहे हो अगर वो लिंक लिस्ट की पहली नोड हुई, तो उसका मतलब है लॉक पी तो फिर नल हो जाएगा, उससे पहले तो कोई नोड है ही नहीं। तो अगर लॉक पी नल है, उसका मतलब है कि वो लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट डिलीट होने जा रहा है, तो पहला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। और यह सूरत में होगा अगर लॉक पी नल है, यानी कि उससे पहले कोई नोड नहीं, फिर ज़ाहिर है पहले तो लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा, उससे पहले तो कोई भी नोड नहीं होगी ना। तो अगर पहली नोड ही डिलीट करनी है तो लॉक पी उस सूरत में नल होगा। अब ये बता रहा है जो नीचे एल्गोरिथम आ रहा है वो डिलीट करेगा नोड एन को, ये एल्गोरिथम स्टार्ट होने जा रहा है, ये लिखा हुआ है, दिस एल्गोरिथम डिलीट्स द नोड एन विद लोकेशन लॉक, ठीक है, जो जिसको, जो लोकेशन लॉक का मतलब क्या, ये लॉक वो लोकेशन है जिसको डिलीट किया जाएगा, जिस लोकेशन में वैल्यू रखी है उसको डिलीट किया जाएगा, लॉक उसको पॉइंट आउट कर रहा है। और लॉक पी क्या है, लॉक पी इज द लोकेशन ऑफ द नोड विद प्रीसीड्स एन, जो नोड एन डिलीट होने वाली है उससे पहले वाली नोड जो है वो लॉक पी है। और अगर लॉक पी नल हुई तो उसका मतलब है पहली नोड ही डिलीट होने जा रही है, तो फर्स्ट नोड जो है वो डिलीट होने जा रही है, उसका मतलब तो उस ये सूरत में होगा, जब पहली नोड जो है वो डिलीट होने जा रही है तो उस सूरत में लॉक पी नल होगा, क्योंकि जाहिर है पहली नोड से पहले तो कोई नोड नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है एल्गोरिथम, इफ लॉक, अब यहाँ पर ये पहला स्टेप है एल्गोरिथम का, इफ लॉक पी इज इक्वल टू नल, अगर लॉक पी नल है
यानी कि पहली नोट जो नोट डिलीट होने जा रही है उससे पहले कोई नोट नहीं है, इसका मतलब है पहली नोट डिलीट होने जा रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। ये बात समझ में आई, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। जब पहली नोट डिलीट होगी तो अब देखो ये लिंक लिस्ट है ना, बल्कि मैं आपको यहां से नहीं दिखाऊं, यहां से इससे अच्छा आगे डायग्राम में दिखा देता हूं। देखो ये लिखा हुआ है स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, क्या मतलब, अगर जो नोट थी पहली वही नोट डिलीट करनी है, अगर यही लॉक हुई, अगर यही नोट लॉक हुई जिसको डिलीट करना है, ये तो पहली नोट हुई ना, पहली नोट हुई। पहली नोट होने का मकसद क्या है कि जो ये पहली नोट हुई तो इससे पहले तो कोई नोट ही नहीं है, इससे पहले तो कोई नोट नहीं है, इससे पहले जब कोई नोट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉक पी नल है, जो लॉक पी है प्रीवियस नोड है वो नल है, कोई नोड ही नहीं है, इसका मतलब है पहली नोड डिलीट होने जा रही है। ये जब पहली नोड डिलीट होने जा रही है तो पहली स्टार्ट किसको पॉइंट आउट करता है, पहली नोड को तो पॉइंट आउट करता है, लेकिन जब आप पहली नोड डिलीट कर दोगे तो अब स्टार्ट किसको पॉइंट आउट करेगा, स्टार्ट पॉइंट आउट करेगा स्टार्ट क्या था, स्टार्ट ये था नोड वन, इसका लिंक ये रहा, लिंक ऑफ स्टार्ट ये है, नोड टू जो है एक्चुअली लिंक ऑफ स्टार्ट है, लिंक ऑफ स्टार्ट है। यहाँ पर ये लिखा है कि लिंक ऑफ स्टार्ट जो है वो नया स्टार्ट बन जाएगा, लिंक ऑफ स्टार्ट जो है नया स्टार्ट बन जाएगा। तो ये स्टार्ट पहले नोड वन था, अब लिंक ऑफ स्टार्ट का मतलब क्या है नोड टू, तो लिंक ऑफ स्टार्ट जो है वो स्टार्ट बन जाएगा, इस सूरत में पहली नोड डिलीट हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? जी जी सर, ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा ये सिनेरियो। और यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर यही लिखा गया है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी एल्गोरिथम की, के अगर लॉक पी लर्न है इसका मतलब है जो नोड डिलीट होने जा रही है वो पहली नोड है, तो उससे पहले तो कोई नोड है ही नहीं। लॉक पी का मतलब क्या है, जो नोड डिलीट होने जा रही है उससे पहली वाली नोड, उससे पहले तो कोई नोड है ही नहीं क्योंकि वो नल है, इसका मतलब है पहली नोड डिलीट होने जा रही है। उस सूरत में आप क्या करोगे, जो स्टार्ट जिसको पॉइंट आउट कर रहा था उसका लिंक जो है वो आप स्टार्ट को दे दोगे, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। तो अब जो यानी कि ये वाली बात कि जो दूसरा एलिमेंट था वो पहला एलिमेंट बन जाएगा, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट का मतलब ये है, तो ये पहली नोड डिलीट हो जाएगी इस सूरत। एज एज का मतलब क्या है कि अगर लॉक पी नल नहीं है, यानी कि लॉक पी नल नहीं है इसका मतलब है कि जो नोड डिलीट होने जा रही है वो बीच की कहीं की नोड है लिंक लिस्ट की, वो शुरू की नोड नहीं है, उस सूरत में क्या होगा, लिंक ऑफ लॉक पी इज इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक, ये वाली लाइन, जो लॉक का लिंक है वो लॉक पी का लिंक बनेगा। तो लॉक वो लोकेशन है जिसको डिलीट किया जा रहा है और लॉक पी जो से पिछली वाली नोड है, तो लॉक का जो लिंक था वो लॉक पी का लिंक बनेगा, लिंक ऑफ लॉक पी इज इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक। इस लाइन को समझने के लिए ये डायग्राम देखें नीचे वाली, लिंक ऑफ लॉक पी इज इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक। अब देखो यहाँ पर लॉक कौन सा है, लॉक ये है नोड एन जिसको डिलीट किया जा रहा है, यही लॉक है, ठीक है, यही नोड लॉक है, लॉक पॉइंट आउट कर रहा है नोड एन को, इसको डिलीट किया जा रहा है। तो लिंक ऑफ लॉक इसका लिंक क्या होगा, लॉक का लिंक है ये वाली नोड, ये जो दिखाई जा रही है ना, ये लॉक का लिंक है। तो लॉक का लिंक क्या बन जाएगा, लॉक पी का लिंक। लॉक पी का मतलब क्या हुआ, ये तो लॉक हो गया, इससे जो पिछली वाली नोड है नोड एन से जो पिछली वाली नोड है ये वाली, ये क्या है, ये लॉक पी है, लॉक पी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, लॉक पी इसको पॉइंट कर रहा है। तो लॉक पी का लिंक क्या बन जाएगा, ये लाइन दिखा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है नीचे वाली, लॉक पी का लिंक क्या बन जाएगा, जो लॉक का लिंक था, लॉक का लिंक जो है वो ये था, अब ये जो है ना लॉक पी का लिंक बन जाएगा, ये लाइन आके बता रही है कि लॉक पी का लिंक बन जाएगा। तो इससे होगा क्या कि ये वाली नोड अब जो है इसको पॉइंट आउट करेगी, बीच में से एन चला गया, क्लियर हो गई वाली बात। लिंक ऑफ लॉक पी इज इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक, ये बात क्लियर हुई, डायग्राम से भी दिखाई जा रही है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, दोबारा बता दें प्लीज। देखो जो नोड डिलीट होने जा रही है वो ये है नोड एन जिसको कहा जा रहा है लॉक, सही है। तो लॉक का लिंक कौन सा है, अगला वाला, ये यही है ना लॉक का लिंक। तो लॉक का जो लिंक है वो जो लॉक, और लॉक पी का मतलब क्या है, जो नोड डिलीट होने जा रही है नोड एन से जो पिछली नोड है वो लॉक पी कहलाएगी,
लॉक पी का मतलब वही प्रीवियस जो नोड डिलीट होने जा रही है उससे पिछली वाली नोड। तो लॉक पी का जो लिंक है, लॉक पी का लिंक ये वाली लिंक बता रहा है, लॉक पी का जो लिंक है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो के जो लॉक का लिंक था, लॉक का लिंक क्या था, ये अब लॉक लिंक और लॉक पी का लिंक ये बन जाएगा। इस लाइन के शुरू में दिखा रहा है कि लॉक पी का लिंक जो है वो, लॉक पी का लिंक जो है वो अब ये बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, लॉक पी जो है अब वो जो लॉक का लिंक था वो लॉक पी का लिंक बन गया, इस सूरत में ये जो है वो डिलीट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यस सर, अब क्लियर है। हाँ, जैसे मैं अगर आपको दिखा दूं, ऐसे ए ये ए है, ये एन है और ये बी है, और एन को डिलीट करना है, तो एन क्या हो गया लॉक, और ये इसका जो लिंक होगा वो लिंक ऑफ लॉक कहलाएगा, और ये लॉक पी हो गया, बी क्या हो गया लॉक पी हो गया। तो लॉक पी का लिंक क्या हो जाएगा, जो लॉक का लिंक था, जो लॉक का लिंक था वो लॉक पी का लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो एन डिलीट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये दिखाया गया इस डायग्राम, लॉक पी पिछली वाली नोड है जिसको डिलीट, जो नोड डिलीट हो रही है उससे पिछली वाली नोड लॉक पी है, और लॉक को नोड है जिसको डिलीट किया जा रहा है। तो ये एल्गोरिथम का मतलब ये, इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया इन दो लाइनों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पहले तो ये बताया गया कि अगर पहली जो नोड डिलीट होने जाती है वो स्टार्टिंग नोड है, तो फिर तो आप ये करोगे स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट इफ लॉक पी इज इक्वल टू लर्न। लेकिन अगर लॉक पी लर्न नहीं है तो लिंक ऑफ लॉक पी इज इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक, उससे क्या होगा कि वो नोड एंड डिलीट हो जाएगी। लेकिन आप जो डिलीटेड नोड है उसको कहाँ डालना है, अवेल में, तो वो अवेल वाले डालने के लिए वही अगेन लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल, ठीक है ना, जो नोड डिलीट होने जा रही है उसको अवेल में रख दोगे और अवेल इज इक्वल टू लॉक। ठीक है, जो जो नोड, क्योंकि जो नोड डिलीट हो रही है वो लॉक ही कहला रही है, ठीक है, तो अवेल इज इक्वल टू लॉक हो जाएगा। सर पेपर में डायग्राम के थ्रू समझाएंगे या एल्गोरिथम बनाएंगे? यानी कि दूसरे लफ्जों में, अगर मैं यहाँ पर अवेल बनाऊँ, ये तो आपको पता है ना, जब पीछे दिखाया था लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल, ये अवेल इज इक्वल टू लॉक हो जाएगा, अवेल लॉक हो जाएगा, और लिंक ऑफ लॉक जो है, यानी कि ये जो लॉक था इसका जो लिंक है वो क्या बन जाएगा, जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट कर रहा था। तो अब वो जो नोड डिलीट हुई है वो अवेल की पहली नोड बनेगी, और जो उसका लिंक था वो अवेल की वो नोड बन जाएगी, उसका जो लिंक था वो अवेल की जो पुरानी पहली नोड थी वो दूसरी नोड जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर ये लाइन दिखाई है, लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू लॉक और आखिर में एग्जिट। तो ये डिलीशन का एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम जो है किसी भी नोड को जो है वो डिलीट कर देगा। हाँ, क्या सवाल कर रहे थे आप? तो मैं कह रहा था कि पेपर में डायग्राम के थ्रू समझाएंगे या एल्गोरिथम? डायग्राम के थ्रू तो सिर्फ ये एल्गोरिथम समझाना मकसूद था कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, वरना आप कहते हैं लॉक पी क्या है, लॉक क्या है, यानी कि हमें तो एल्गोरिथम जनरल होता है ना, जिसमें सब चीजें समझ में आ जाए, तो इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एल्गोरिथम से कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। और डायग्राम सिर्फ एल्गोरिथम को समझाने के लिए यहाँ पर यूज की गई है ताकि एल्गोरिथम आपको पूरा पक्का समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर डिस्कनेक्ट होने वाला है, ये मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ।